हेलो ऑफ यू, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आज हमारे पास ट्रिक क्लास का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। अगर किसी ने भी फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास को पहले देख लें, फिर इसको देखें, तो आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे ट्रिक क्लास का क्लासेस को। अदरवाइज़ सिर्फ इसको देख रहे हैं तो उससे इफेक्ट तो नहीं होगा, आपका कंसेप्ट यहाँ भी समझ में आएगा, ट्रिक्स यहाँ भी समझ में आएंगे, बट फर्स्ट को देख लोगे तो आपका एड ऑन हो जाएगा, है ना? आप हर चीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि मैंने लिखा था 10, 100, 1000, 10,000, है ना? तो मैंने क्या बोला था, 10 से कम वाले नंबर को हमने सीखा था, है ना? 100 से कम वाले, 1000 से कम वाले, 10,000 से कम वाले। मैंने एक बात को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज है, मैंने बोला था कि 10 से ज़्यादा वाले या 100 से ज़्यादा वाले या 1000 से ज़्यादा वाले या 10,000 से ज़्यादा वाले नंबर हो और उनका मल्टीप्लिकेशन करना तो कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप भी नंबर लेके अपने, हाँ, तो एक बात, पेन पेपर लेकर रेडी रहे, हर एक बात को नोट डाउन करोगे और फिर अपने नंबर्स, अपने मन से नंबर लो, उसको प्रैक्टिस भी करो। तो मैंने बोला आपके सामने एक नंबर आ गया, सपोज़ आ गया 12 × 13, इसको आ गया मल्टीप्लाई करने को, ठीक है? तो आप बोल रहे 12 × 13 तो बहुत छोटा सा नंबर है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट मेरा क्या कहना है कि मुझे बड़े नंबर्स को भी सिखाना है ट्रिक के थ्रू, इसलिए मैं बेस बना रहा हूँ, कंसेप्ट बना रहा हूँ, ट्रिक्स समझा रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स में क्या करेंगे। जो देखो, अगर मैं देखो तो ये 10 से कुछ बड़ा है, ये जो नंबर है 12 है, ये 10 से कुछ बड़ा है, और 13 भी क्या 10 से थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है? तो हम बोलेंगे कितना बड़ा है, तो 12 जो है 10 से 2 बड़ा है, है ना? कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो अब 0 मत लिखो यहाँ पे, सिर्फ 2 लिख के चलेंगे। 13 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, आपने दिया यहाँ पे लाइन। तो मैं इनको एडिशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 कितना हो गया? 6 हो गया, हो गया। 12 + 3 करो, क्रॉस करो, क्रॉस एडिशन करो, 12 + 3 किया तो कितना आया? 15। तो आपने लिखा 15। 13 + 2 ऐड करो, कितना आ रहा है? 15। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो 1 15 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, 156 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? बात समझ गए। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 18 × 19 करना है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 10 से ये नंबर कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, तो आप यहाँ 8 लिखिए। 10 से ये 19 कितना बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो आप यहाँ 9 लिखिए। क्या बोला मैंने, सिंपली आप 9 × 8 करेंगे, तो 9 × 8 किया तो कितना आएगा, 9 × 8 = 72। देखो अभी क्या हुआ था, 3 × 6 हुआ था, हमने 6 लिखा था सिंपली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना इस बात को कि 8 × 9 कर रहे हैं, चाहे 9 × 8 बोलो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 72 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, 2 को यहाँ पे सिर्फ लिख लो, ध्यान देना इस बात पर, और 7 को हम क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। यहाँ जो नंबर आएगा उस नंबर में हम 7 को ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, 18 में आपने 9 ऐड किया, तो 18 में हम नहीं बताते हैं, यही बता देते हैं कि 18 में अगर आपने 9 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 27। अगर 19 में आपने 8 को ऐड किया, कितना हो जाएगा, ये 27। तो मैंने क्या बोला, यहाँ इसको, इसमें से दिस प्लस दिस का तो भी 27, दिस प्लस दिस का तो भी 27, तो 27 हम यहाँ पर लिख देंगे। बट हमें चेक करना है कि क्या हमें कोई नंबर को कैरी करके ऐड करना है इसमें, तो हाँ, 72 आया था यहाँ पे, तो 2 लिख दिया, 7 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 7 को ऐड कर दो, 7 × 7 = 14, 4 यहाँ हो गया 3, तो कितना आ गया, 340। तो आंसर क्या हो गया आपका, 342। इस बात को समझ पा रहे हैं, है ना? तो अपने मन से भी आप नंबर लीजिए और समझिए चीज़ों को। और एक नंबर और ले लेते हैं, आप इससे भी ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपने ले लिया कोई भी नंबर ले लो, आपने सपोज 21 ही ले लिया, आपने ले लिया 22, थोड़ा सा 10 से दूर है बट बन जाएगा, ट्रिक है तो ट्रिक तो बनना ही है। तो ये 10 से ये नंबर कितना बड़ा है, तो 11 बड़ा है। ये नंबर 10 से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 12 बड़ा है, ठीक है? अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था, इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते मल्टीप्लाई। अगर रफ में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक ट्रिक और समझ लो कि अगर आपको 12 × 11 करना है तो आप क्या बोल दो कि 12 × 10 + 1 बोल दो। 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं, 10 + 1 लिख सकते हैं, है ना? तो क्या बोला मैंने कि 12 × 10 करेंगे तो 120 हो गया, और 12 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 132 हो गया। अगर ये 132 हो गया
तो यहाँ पे तो 132 आना चाहिए, बट मैंने क्या बोला यहाँ हम 132 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे सिर्फ अभी 2 लिख के छोड़ देते हैं, है ना। बाकी नंबर क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, ठीक बात है। अभी क्या हुआ कि चेक कर लेते हैं कि 21 में 12 को ऐड करके देखो कितना होता है। पहले तो 21 में 12 को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 3, ये भी 3। 22 में 11 को ऐड करके चेक करो तो 22 में उन्होंने 11 को ऐड किया, चेक किया कितना आ रहा है, 33। तो ये भी 33, ये भी 33, तो 33 तो यहाँ उतार देते हैं। बट मैंने क्या बोला कि जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या बोला है कि कोई बड़ा नंबर आएगा, है ना। बड़ा नंबर कहने का मतलब क्या, सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, उससे बड़ा आ रहा है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर यहाँ लिख लेंगे, बाकी नंबर को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा उसमें ऐड करेंगे। तो आया 33 33, तो 133 लिख लिया। और पहले कितना बचा था यहाँ पे, 132 में हमने 2 लिख लिया था, इस 13 को ऐड कर लो इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 6 और ये जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ लिखेंगे 46। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 462 आ गया, कितना आ गया, 462 आ गया। अब चेक भी कर लो, आपको करना है अगर कि आपने बोला 22 into 21, तो मैंने क्या बोला 22 into, आप 20+1 कर लो, तो हम 22 into 20 करते हैं तो 220 कितना हो जाएगा, 440, है ना। 440 और प्लस 22 किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो गया 62, तो 462 आ रहा है, 462 यहाँ भी आया। तो कहने का मतलब क्या, मैं रिकॉल कर देता हूँ फिर से, यहाँ तो सबसे सिंपलेस्ट नंबर था, कोई दिक्कत नहीं था, 3 2 6 किया, सिंपल 6 आ गया, 12+3 किया, 3+2 किया, 15 15 दोनों में आया था, तो 15 हमने लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया, 156। यहाँ पर क्या किया कि 8 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है 10 से, तो 8 9 72। तो जब 72 आया था तो सिंगल नंबर 2 को हमने लिखा और 7 को कैरी कर लिया, ये इस बात को सोच के कि 7 को ऐड कर लेंगे यहाँ जो कोई नंबर आ रहा होगा उसमें। तो हमने ये चेक किया फिर से कि 18 में 9 जोड़ा 27 आया, 19 में 8 को ऐड किया 8 को जोड़ा तो कितना है 27 आया, तो 27 27 आया, तो एक बार 27 लेंगे, क्या लेंगे, एक बार 27 में इस 7 जो नंबर बजा था उसको ऐड कर लिया तो कितना है 34, तो 34 लिखा यहाँ पे, आंसर कितना है हमारा 342। सिमिलरली मैंने एक नंबर लिया 21 और 22, 10 से 21 कितना ज़्यादा, 11, 10 से 22 कितना ज़्यादा, 12, है ना। तो 12 into 11 किया तो 12 into 11 करते हुए कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। तो 132 में सिर्फ यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखना है, कौन सा, सिर्फ यूनिट, यहाँ पे दो जो नंबर बच गए 13, तो 13 को क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे उस नंबर में जो यहाँ पे आ रहा होगा। और यहाँ पे नंबर किस तरह आता है कि 21 पे अपने 12 को ऐड किया, 22 पे अपने 11 को ऐड किया, तो पता चला दोनों में 33 33 आ रहा, 33 आ रहा, तो एक बार 33 को लेना है, कितने बार, तो एक बार मैंने 33 को लिया और जो यहाँ जो नंबर बचा था 13 उसको इस नंबर में 13 को ऐड किया तो कितना है 46, तो मैंने 46 लिखा, तो 462 इज योर आंसर। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा है। तो मैंने बोला ये किसी भी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, आप सबके सीखने के लिए, आप किसी को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और बड़े नंबर पे चलते हैं। आप भी अपने नंबर से, अपने मन से नंबर लीजिए और सॉल्व कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, फर्स्ट क्लास को देख लो, इस क्लास को देखने से पहले, वहाँ भी ट्रिक्स बताया है 10 से कम नंबर वाले में, 100 से कम वाले, 1000 से कम वाले, 10000 से कम वाले में कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 10 का सीख लिया, अब 100 का देख लो। और यहाँ से मैं एक चीज़ और सिखा दूँगा अभी आपको, स्क्वायर के बारे में, कुछ नंबर्स के स्क्वायर आप कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं बड़े नंबर के। तो मैंने बोला अब 100 को बेस माना, तो फर्स्ट क्लास में मैंने बता रखा बेस मेथड, यहाँ मेंशन कर देता हूँ फिर से मैं, ये हम पढ़ क्या रहे एक तरह से, ये बेस मेथड, बेस मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को बेस लेके चल रहे हैं और उस नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ हम 100 से 10 100 1000 10000 आपका क्या बेस है। तो मैंने क्या बोला, आप 10 से 100 से कंपेयर करते हैं, तो आपने बोला एक नंबर है सपोज 109 और किसी ने बोल दिया कि एक नंबर है 102, तो बोला क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मैंने क्या बोला आप 100 से कंपेयर करो, 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है, तो आप सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 09। एक चीज़ को देख लो, जब हम 10 से बड़े नंबर 12 या 13 ले रहे थे तो सिर्फ यहाँ 2 लिख रहे थे और यहाँ सिर्फ 3 लिख रहे थे, तो जब 10 है, कितना है 10, तो इंडिविजुअल नंबर लिखा सिर्फ, इंडिविजुअल नंबर लिखा सिर्फ 3। जब 100 से कंपेयर कर रहे हैं 109 का, तो आप बोलेंगे 100 से 109 कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है, बट 10 यहाँ पे आप देंगे, ये सब ट्रिक का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से 100 से
102 कितना ज़्यादा है, तो दो ज़्यादा बट एक जीरो यहाँ लगा देना है बस। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 92 जा कितना हो जाएगा, 29 जा 92 जा बातें की तो 18। दो नंबर दो डिजिट है, दो प्लेस है, दो प्लेस भर जाना चाहिए, भर चुका है तो आपको नंबर बचा भी नहीं कैरी करने के लिए, 18 आ गया, 18 हमने लिख दिया। अगर आप 109 में 2 को ऐड करो, आपने बोला कि 109 में हमने 02 को ऐड किया तो कितना आएगा, 9 2 11 11 11 एक 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 आ गया, 11 11 11 स्लिप ऑफ टंग यहाँ पे एक 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 एक। 102 में 09 को ऐड कर लो कितना आएगा, 111, तो यहाँ भी 111, यहाँ भी 111, तो एक बार 111 को लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने इक्वल टू लेके बोला 111 118, ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे, अभी जो मैंने बोला स्क्वायर के बारे में, तो मैं सिमिलर नंबर लेके स्क्वायरिफाइंग कर देता हूँ आपके लिए और आप इसी को नोट डाउन करोगे। तो और नंबर लेते, लाइक मैंने बोल दिया, आपने किसी को बोल दिया सपोज अब, या आपको किसी ने बोला कि 113 का, तो दो बात हम यहाँ सीख पाएंगे कि आपको बोल दिया गया है कि 113 इंटू 113 का मल्टीप्लीकेशन बताओ, या किसी ने पूछ लिया 113 का होल स्क्वायर बताओ, तो दोनों बात तो मतलब एक ही है ना, कि 113 का मतलब क्या होता है, 113 इंटू 113। तो देखो आप क्या बोलेंगे, आपने 100 से कंपेयर किया, 100 यहाँ लिखा हुआ, मैंने यहाँ भी लिख दिया, 100 से कंपेयर किया तो कितना बड़ा है ये, 13 बड़ा है, तो आपने क्या बोला, 13 बड़ा है, ये भी कितना बड़ा है, तो 13 बड़ा है, तो हमने 13 इंटू 13 पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 169 आएगा, है ना, तो आपने क्या बोला, 169 आ रहा है, तो दो डिजिट को तो आप यहाँ भर सकते हो सिर्फ और सिर्फ, तो आपने 69 लिखा, कितना लिखा, 69, क्योंकि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स दो प्लेसेस भरे जा सकते हैं, तो कितना कैडी हो जाएगा, 1 कैडी हो जाएगा। अगर आपने 113 में 13 को ऐड किया, 113 में आपने 13 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 621, फिर आपने बोला 113 में इसको भी ऐड किया तो कितना हो गया, फिर से 126, तो आप एक और 126 को ले लीजिए और जो इस नंबर में 1 कैरी करने के लिए रखा था 1, तो इसमें इसको ऐड कर दो आप, तो यहाँ कितना होगा, 712, तो यहाँ 127। सो यू कैन से कि अगर हम 13 इंटू 13 करते हैं तो 127 69 आएगा, और आपसे यदि पूछ लिया गया कि 113 का स्क्वायर बता दो, होल स्क्वायर बता दो, तो भी कितना होगा। तो जो बच्चे 6 7 8 9 10 वगैरह में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये बात कि मल्टीप्लिकेशन का भी काम हो गया, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में 113 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, है ना, 101 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर, सारे नंबर का स्क्वायर इसी तरीके से निकल सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 और 111 का, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, और एक तरह से होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं अभी, 106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, ऐसे ही नंबर लिखते जाओ, 110 का स्क्वायर, 111, 112, 113, 114, जहाँ तक चलना चलते जाओ सब नंबर फाइंड हो गए यहाँ से, सब नंबर का स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया। तो चलते नेक्स्ट बेस को लेके 1000 पे, सेम ट्रिक लगेगा, फटाफट समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के अलावा आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, आप माने चाहना माने, मैंने तो देख रखा है हर एक चीज़ को एजुकेशन वर्ल्ड में, ऐसे क्लासेस मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा बट मैं बता दूँ, ऑन एन एवरेज 3000 से लेकर 4000 रुपये तक आपसे चार्ज किया जाता है लगभग इस एवरेज में, ये 6 मंथ के लिए या साल भर के लिए हो सकता है ऐसे, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज इस तरीके से रुपए चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप पैसे दे के वहाँ पढ़ लो चाहे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो, कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाला है, एकदम बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाऊँगा। तो ये मत सोचना कि फ्री क्लासेस है तो कुछ छूट जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट इस दुनिया में अवेलेबल है उस सारे कॉन्टेंट को लेकर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, तो आराम से समझो। तो इस बात को मैंने बताया इसलिए कि जनरली अटेंशन कम देते हैं लोग इस बात पे कि फ्री क्लासेस है तो चलो यू ही ले लो, बट मैं बोला सिंसियरली लो इसको, बहुत कुछ सीख लोगे जो खर्च करके भी आप नहीं सीख सकते हैं, है ना, ठीक है।
तो मैंने बोला थाउजेंड को इसको तो इरेज कर दूं, थाउजेंड को बेस लेकर चल रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई कि थाउजेंड को बेस जब ले रहे हो तो एक नंबर दे दिया गया सपोज़ कि 1, 2, 3, 5, कोई नंबर ले लो आप बेसिक तरीके से 1, 0, 0, 9। तो बोला ये थाउजेंड से ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे थाउजेंड से ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोल देंगे 235 बड़ा है। थाउजेंड से ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 009 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। अब आप हमें करना क्या होता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप बोलेंगे 235 को क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो काम करना पड़ेगा, इसका भी ट्रिक सिखाऊंगा छोटे नंबर्स का, तो फटाफट कर लेते हैं। हालांकि एक ट्रिक और है कि आप बोल दीजिए 235 को आप लिख लीजिए इंटू 10-1, तो 10-1 9 ही होता है। तो 235 इंटू 10 करूँगा तो कितना होगा, 2350 हो जाएगा, और इसमें से 35 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2315, 2315 आ जाएगा। मतलब कि इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2315 आया। तो 2315 जो आया, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ स्पेस 1, 2, 3 है, तो आप क्या कीजिए 315, देखो 2315 है ना, तो यूनिट 10 100 इधर से स्टार्ट करो। अच्छा थोड़ा सा नंबर गलत लिख दिया मैंने, क्या है 2315, तो आप 5 लिख लो, 1 लिख लो, 3 लिख लो, 2 को छोड़ दो, 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। यहाँ जो नंबर लिखूंगा, यहाँ जो नंबर आएगा उसमें 2 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने बोला कि जब 1235 में 9 को ऐड करते हैं, तो आपने क्या बोला, 1235 में जब 9 ऐड कर रहे हैं तो कितना ऐड है, 9, 5, 14, 4, यहाँ भी 4, 2, 1। आपने क्या बोला, 1009 में 235 को ऐड कर रहे हो, 1009 में आपने 235 को ऐड कर लिया, 9, 5, 14 के 4, ये भी 4 हो गया। तो यहाँ भी 1244, तो एक बार 1244 ले लेते हैं और उसमें ये जो 2000 को ऐड कर लेते हैं, तो 6, 4, 2, 1, तो कितना आ गया, 1, 2, 4, 6। तो आप इगल शू देख के इस नंबर को लिख लें कि आपका ये, जैसे कि फर्स्ट क्लास में एक बात बताया था मैंने कि जब मैं आपको सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो ये टाइम लग रहा है, क्योंकि हर बात को लेकर चलना है, क्योंकि समझा रहा हूँ। जब मैं अपने आप में बात करने लगूँ और आपसे मतलब ही ना रखूँ, है ना, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल लेके फर्स्ट क्लास में किया भी था, तो मुझे लगा था मैक्स टू मैक्स आई थिंक 12 से 10 से 12 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। तो वही जो ट्रिक का है कि मैंने लिख रखा है वहाँ पे 15 सेकेंड्स, तो वो बात सही है, क्योंकि बहुत सारे थंबनेल में लिखा जाएगा बट वो चीज़ होता नहीं है। तो 15 सेकेंड जो मेंशन किया गया थंबनेल में कि सॉल्व कीजिए सिर्फ 15 सेकेंड में, वो बात एकदम प्रूफ हो रहा है। आप जो प्रैक्टिस कर लोगे खुद से बनाएंगे तो ये बात सच में नहीं होना है। चलो और नंबर लिया जाए, इसके अलावा भी हर एक बात को नोट डाउन करना सारा ही बात इंपॉर्टेंट है। और इस बात में सीखते सीखते देखो ये सब भी कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं, है ना, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करके हमने ये काम कर लिया, तुरंत आ गया। तो ट्रिक के अंदर ट्रिक है, यहाँ पे तो किसी चीज़ में कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, जितना चीज़ ज़रूरत है आपके लिए हर एक चीज़ को बिना छुपाए बिना किसी फिल्ट्रेशन के हर एक बात को बताया जाएगा। तो 1000 में और नंबर ले लेते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ फिर से कि 1000 के रिगार्डिंग स्क्वायर समझा देता हूँ। लाइक आपको किसी ने बोल दिया कि 1009 का स्क्वायर बताओ, तो आप सिंपली क्या कीजिए, या 111 का बताओ, चाहे 1292 का बताओ, चाहे 1007 का बताओ, ऐसे कोई भी नंबर, तो आप क्या मानिए 1000 के बेस मान लीजिए। मान लिया तो मैंने बोला कि 1009, तो आप क्या बोले कि 1000 से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 009, 1000 से कितना बड़ा, तो आप बोलेंगे 009, है ना, 9 9 9 81, तो 81 तीन जगह है, तो दो जगह तो बढ़ गया, तो अपने मन से एक जीरो रख देंगे। आपने बोला 1009 में, जब 1009 में 9 को ऐड किया तो 9 9 18 ऐसा ही आएगा, फिर इसमें भी उसको ऐड किया तो वही आना वाला, तो वही जब आने वाला, तो मैंने क्या, दो बार सेम नंबर आ रहा तो एक बार उसी नंबर को लिख दो 1018। तो आपने कुछ लेके बोला 1018081 इज द आंसर। बात ख़त्म है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर की रिगार्डिंग और मल्टीप्लिकेशन के भी बात यहाँ पे हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, मतलब इस नंबर का 001009
मल्टीप्लीकेशन का काम हो गया और अपने स्क्वायर को फाइंड करना, तो वही सेम बात है। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर और वी कैन से दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है, बात सही है। और नंबर ले लेना आप एग्जाम्पल खुद से, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं उसको और डिस्कस कर दूंगा। एक आपके माइंड में आ रहा होगा जो कि मैं क्लास थर्ड में, जो थर्ड क्लास होगा आपका ट्रिक्स का, लाइक कि एक नंबर सपोज 10 से बड़ा है, आपने बोले 15 है, और एक नंबर 10 से छोटा लाइक 9 है, या आपने बोले एक नंबर 100 से बड़ा है लाइक 121 है, और एक नंबर 100 से छोटा है लाइक क्या 99। तो ऐसे नंबर में क्या करेंगे, तो ऐसे ट्रिक्स को भी हम सीखेंगे लेकिन थर्ड क्लास में। तो इस बात को मैंने बता दिया, ऐसे ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो मैंने बताया था पहले कि 10 से कम वाले, 100 से कम वाले, 1000 से कम वाले, 10000 से कम वाले, तो उनका सिर्फ बताया। अब क्या बता रहा था अभी यहाँ पे कि 10 से ज़्यादा वाले, 100 से ज़्यादा वाले, 1000 से ज़्यादा वाले, इनको कैसे करते हैं। और थर्ड क्लास में क्या बताएंगे, दोनों चीज़ों, 10 से ज़्यादा भी 10 से कम है, 100 से ज़्यादा भी 100 से कम है, या 1000 से ज़्यादा भी है लाइक ऐसा कुछ है, और 1000 से कम भी लाइक कुछ ऐसा है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन किस क्लास में, थर्ड क्लास में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्ड क्लास देखना है, आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, क्यों, डीप में जब समझना है तो कम वाला, ज़्यादा वाला, फिर ये वाला। बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में ऐसे हैं जहाँ पे इस दोनों को नहीं समझाया गया, डायरेक्ट आपको ऐसा समझाया गया है कि 1000 से ज़्यादा है, 1000 से कम है, तो उनको कैसे करेंगे, है ना। तो वो तो एक ठीक है, बट इससे पहले डेप्थ में जाके इसको समझो, फिर इसको समझेंगे जो कि थर्ड क्लास में। चलो एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ बट आपके समझने के लिए। तो और नंबर ले लेते हैं, मैंने अब 1000 का आपको बता ही दिया है, 10000 का देख लेते हैं। हम किसको मान के चलेंगे बेस, अब 10000 को, तो मैंने बेस लिया 10000, है ना। आप बोल रहे हैं एक नंबर है जो कि आपने बोल दिया 100, है ना, 09 बोल दिया आपने, एक नंबर बोल दिया 1000, आपने बोल दिया 3, इसका करना मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बोला कि नंबर 10000 से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 0009, ये नंबर कितना बड़ा है 10000 से, तो आप बोलेंगे 0003। मैंने क्या बोला, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9327, यहाँ 4 स्पेस है, 1 2 3 4, तो 2 तो आ गया स्पेस, अपने मन से यहाँ खाली पे 0 दे दो। 1009 में आपने 3 को ऐड किया तो आएगा ये, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, 10009 में आपने 3 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा ये, 10012 आएगा। 10003 में आपने 9 को ऐड किया तो ये भी कितना आएगा, 10012 आएगा। तो एक बार इस नंबर को लिख दो, जब दो नंबर सेम आ जाए तो हमने समझ लिया कि हमारा ट्रिक सही जा रहा है, तो एक बार उस नंबर को लिखना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 10012027। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और नंबर ले लेते हैं, और बड़ा नंबर लो, आपने बोल दिया और हम लेना चाहते हैं 1014, और क्या ले लें, एक और नंबर लेंगे ना, यहाँ पे आपने बोल दिया 10 सपोज 19 बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया 100, आपने बोल दिया क्या कि 12 लेना चाहते, ले लो। तो मैंने बोला 10000 से ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 19, तो 0019। आपने बोल दिया 10000 से ये नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 0012। इस बात को समझ पा रहे हैं, 19 को मैंने 0012 लिख 0019 लिखा, 12 को मैंने 0012 लिखा है, तो ट्रिक है। तो इसको भी और देख लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 आना चाहिए कम से कम, तो 4 कैसे पढ़ाएंगे, 19 के आगे 20, 12 के आगे 20, तो बस यही बात है। अब 19 × 12 करना, तो आप ये भी देख लो कि 19 × 12 करना, तो आप 19 + 2 कर लो, तो 19 × 10 करेंगे तो 190, 19 × 2 किया तो क्या होगा 38, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, ये हो गया 8, 9 × 3 = 12 के 2 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 2 × 2 = 8 आने वाला है, तो 2 × 2 = 8, एक स्थान को यहाँ पे और 0 दे दिया। आपने क्या बोला कि 10019 में जब 12 को ऐड करेंगे तो 9 2 = 11, 1 1 = 2 = 3, 0 0 1, तो 10031 आ रहा है। सिमिलरली इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड कर लिया, तो 10012 में आपने बोला कि हम 19 को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 9 2 = 11, 1, यहाँ हो जाएगा 3, 0 0 1, तो 10031 और 10031, तो एक बार 10031 को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 10031,
दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने कम वाला ज़्यादा वाला सब सीख लिया। अब थर्ड क्लास में हम सीखेंगे कि एक बार कम दे रखा है, एक बार ज़्यादा दे रखा है, तो उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो और मैंने एक ही नंबर लिया, आप और नंबर लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है, आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको और फर्दर डिस्कस करूँगा इस चीज़ के बारे में। तो इसी आशा के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं कि आपको एक बार समझ में आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्लासेस में और अच्छे ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ और कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।